क्या खाने पीने से भी बहुत ज्यादा दांतों में फर्क पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है कि आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो भी आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो चॉकलेट्स और कैंडीज बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्या वजह हो सकती है? खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके दांतों को स्वस्थ रखने में। जी बिल्कुल, ये कारण हो सकता है क्योंकि जितना भी स्टिकी फूड है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट फूड है, जैसा कि आपने बताया चॉकलेट, टॉफी और भी जैसे गज्जर और बिस्किट्स वगैरह हम खाते हैं, वो स्टिक रह जाता है ऊपर के दांत, क्योंकि दांत का सरफेस इररेगुलर होता है, प्लेन नहीं होता है, तो उधर जो है फूड एक्यूमुलेट रहता है, चिपका रह जाता है, और जितना देर वो रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको उधर एक्टिविटी करने का उतना ही टाइम मिलता है। तो अब अगर टॉफी चॉकलेट खाना है तो उसका ब्रशिंग करना है, कुल्ले करना है, उसको साफ सफाई रखना है, अगर जितना देर वो रहेगा उतना ही वो डिके कॉज करता है, डैमेज कॉज करता है टू द टूथ एंड गम्स आल्सो। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत, जो ओरल हेल्थ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, उनमें से आप भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे रहेंगे, और मुंह की देखभाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे दांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन हम दांतों को साफ करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमें टंग क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ओवरऑल ओरल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा बॉडी के लिए, अपना मेडिकली फिट रहने के लिए भी आपको ओरल हेल्थ का मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ओरल हेल्थ आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है, दांत भी अच्छे नहीं है, आप अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, आप अच्छे से खाने को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज पूरा ओरल हेल्थ आपका ज़रूरी है। गम्स क्लीनिंग होना चाहिए, इंटरडेंटल क्लीनिंग होना चाहिए, दांतों के बीच की सफाई होनी चाहिए, और जैसे कि आपने कहा टंग और पूरा ओरल कैविटी साफ होना चाहिए। इसके लिए ब्रशिंग और रिंसेस, कुल्ला आपको जरूर करना है दिन में 2-3 बार, हर आफ्टर एवरी मील आपको कुल्ला करने का एक हैबिट बनाना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा सर, बच्चों में जो दांतों के टेढ़े मेढ़े दांतों की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे है? देखिए आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है कि बच्चों के दांतों में टेढ़ा मेढ़ा होना या बाहर होना या स्पेसिंग होना, इरेगुलरिटी रहना, तो उसका देखो एक तो जेनेटिक रीजन भी रहता है, उसके अलावा बच्चों का ओरल हैबिट्स, जैसे अंगूठा चूसते हैं कुछ बच्चे, अब बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो आगे के दो दांत जो है ऊपर उठ जाता है और उसकी वजह से बाहर की तरफ आने लगता है, या फिर कुछ बच्चे टंग थ्रस्टिंग का हैबिट होता है, जीभ को बीच में दो दांतों के बीच में लगाने का हैबिट रहता है, उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। जेनेटिक रीजंस रहते हैं, जॉ का साइज कम हो रहा है, इस वजह से भी आजकल बहुत ज्यादा ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें ब्रेसेस आपने सुना होगा, तार लगाते हैं बच्चों को सीधा करने के लिए, वो ट्रीटमेंट रहता है। उसमें आजकल 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे पहले जो मेटल ब्रेसेस लगते थे, जो कन्वेंशनल तरीका है, सबसे अच्छा तरीका वही है कि मेटल ब्रेसेस लगाते हैं हम और उससे दांतों को सीधा करते हैं, जो कि आफ्टर द एज ऑफ 12-13 जब सारे दांत पक्के मुंह में आ जाते हैं उसके बाद होता है। उसके अलावा आजकल बच्चे कहते हैं जी मैं मेटल ब्रेसेस में प्रॉब्लम, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे को थोड़ा सा ये रहता है, तो उसके लिए सेरामिक ब्रेसेस आ रहे हैं, और इसके अलावा अलाइनर्स आते हैं आजकल, इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, उससे भी ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है।